करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह आप ठीक हैं? उठिए उठिए उठिए, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। पता है क्या हुआ? मतलब कि मुरलीधर ने अनुभव सर को शूट कर दिया? हे भगवान, नहीं मैडम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उर्मिला को तो बंदूक पकड़ने भी नहीं आती है। बंदूक गुलेल उसके लिए एक जैसा ही है। नहीं नहीं, एक मिनट, कुछ और बात है जो आपको परेशान कर रही है। बताइए क्या बात है। वो उर्मिला नहीं है, वो मैडम सर है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद जानते हैं ये असंभव है। हमने उसे मुंबई में, नहीं वो झूठ नहीं बोल रही है। व्हाट बॉय? नर्स, अकेला छोड़ के कहाँ चले गए ये लोग? क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे क्या हुआ, क्या क्या हुआ? अंदर पेशेंट होश में आ गया है, ये बात मैं ही बताऊं क्या? चलिए, वो होश में आ गई है। कैसी हो तुम? सबको बताओ यहाँ पे कि तुमने जो हमें कहा था वो सच है, कि तुम उर्मिला महादेव मात्र नहीं हो, तुम मैडम। तुमका इधर उधर कहाँ देख रही हो? हम बात कर रहे हैं तुमसे, हमारी तरफ देखो ना। इनको बताओ तुम उर्मिला महादेव मात्रे नहीं हो, तुम मैडम सर हो, जल्दी बताओ। कौन उर्मिला, कौन मैडम सर? आप लोग कौन है? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा, मतलब अब तुम हमको नहीं पहचानती हो? हाँ, तुम हमसे ही पूछ रहे हो कि हम कौन है? हाँ, आप लोग हम कहाँ है? हॉस्पिटल में क्यों है? हम आराम से, आराम से। हमारा नाम क्या है? नहीं नहीं, हमें, हम कौन है, हमारा नाम क्या है? एक मिनट, आप लोग जानते हैं हमें? अभी कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? तुम सर, आपने बोला था जूस लाने। अरे वो बाद में बोला था, अकेला छोड़ के मुझे मत जाया करो। पेशेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ता है पता है? देखिए ना, आपके
देखिए सडन शॉक की वजह से इनके दिमाग पर असर पड़ा है, इसलिए इनकी मेंटल कंडीशन ट्रॉमेटाइज इवेंट से गुजर रही है, जिसका सीधा असर इनकी मेमोरी सेल्स पर हुआ है। और क्या? और फिर इनकी याददाश्त चली गई। देखिए इनकी याददाश्त हमेशा के लिए गई नहीं है, वापस आ जाएगी, धीरे धीरे अपनी लाइफ को कनेक्ट करेंगी, जैसे सुमन की आ गई। अच्छा, और कमल आपकी वाइफ, उनका क्या हुआ? हाँ, भगवान की कृपा से उसकी अब तक नहीं आई है, और प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखे। बहुत नीच आदमी है। वैसे आपकी पेशेंट फिजिकली फिट हैं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, ठीक है? आप इनका ख्याल रखिए। वार्ड बॉय, अरे ये वार्ड बॉय चला जा। नर्स, वार्ड बॉय। विभागीय कार्रवाई बैठ चुकी है, टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है, कभी भी किसी वक्त हमें कॉल आ सकता है, हमें जाना पड़ेगा, और उससे पहले इनका याददाश्त आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ इन्हें ही पता है, तो इनकी याददाश्त वापस लानी ही होगी, हमें इनको याद दिलाना ही होगा जो भी चीजें हैं। क्या है? देखो कुछ याद आया? हम तुम्हें यहां मुंबई से लेकर आए, हाँ, हसीना मलिक मतलब हमारी मैडम सर बनने के लिए, ताकि सबको लगे कि मैडम सर अभी भी जिंदा है और हम उनके कातिलों तक आसानी से पहुंच सके, और दिन के 2000 रुपए देते थे हम तुमको। अरे उर्मिला महादेव महात्री हो तुम, जो यहाँ सबके लिए हसीना मलिक है, मैडम सर है। कुछ याद आया आपको? नहीं, नहीं याद आ रहा। अच्छा चलो तुम्हें कुछ और दिखाते हैं, आओ आ जाओ, ये देखो मैडम सर का कमरा, केबिन उनकी, कुर्सी। अच्छा तो फिर वहां चलो, उस तरफ चलो, आ जाओ। देखो आ रहा है कुछ याद? नहीं कुछ याद नहीं आ रहा है, और सर दुख रहा है। आई चगावतन वड़ा पावत, तेरे को उर्मिला महादेव मात्री याद नहीं है? अरे ऐसे भूलने का नहीं रे, मातारी हो गई तू। अरे आखा मुंबई जिसका स्टाइल और वड़ा पाव की दीवानी, उस उर्मिला को भूल गई तुम? ऐ मातारी साली तू। शपथ ना, संतुलन बना के रखने का रे। लल्ला के पप्पा, याद आया तुमको कुछ? अरे हमारी बहू को तो पहचाना ही होगा ना, करिश्मा जी को, हमारे पिछले जन्मों का पाप है, हमारे लल्ला की कुंडली पर बैठा काला नाग है। जब से हमारे लल्ला की शादी इनसे हुई ना, हमारे बेटे को तो भागे फूट गया, क्या बताए। पुष्पा जी एक सेकंड, हम डिराई करते हैं, बस हो गया। हाँ उमरिला जी, हम याद है आपको, चिकना चिकना चीता चीता, आप गाल 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 खींचती थी हमारा। इसको छोड़ो, मुझे देखो, मैं अब सफेदी की चमकार। हाँ, याद आया कुछ? हाँ। नहीं हमें कुछ याद नहीं आ रहा है। प्लीज यहां कोई मेरी मदद करेगा, प्लीज प्लीज मुझे मेरे हस्बैंड से बचाइए, मुझे उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है, बस। आइए आइए बैठिए, इसे अंदर लेके जाइए ना। रहने दीजिए, जब वो रिपोर्ट लिखते हुए देखेंगी तो शायद उनको कुछ याद आ जाए। याददाश्त, इनको यहाँ बिठाओ। ठीक है ठीक। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट उम्रैला जी, गजब यार। जी कहिए क्या दिक्कत है आपकी? मैडम मेरा नाम मयूरी है और मैं, नहीं जाने दीजिए। एक मिनट मयूरी जी, बहुत अच्छा नाम है आपका, लेकिन आप ये बता नहीं आई थी।
देखिए डरिए नहीं, आप यहाँ महिला पुलिस थाने में खड़ी हैं, है ना, हम यहाँ आप ही के लिए हैं, आप घबराइए नहीं, आप बेझिझक होके बताइए ना दिक्कत क्या है आपकी। एक्चुअली मैडम अगर मैं आपको बताऊंगी तो मुझे डर है कहीं आप सब लोग। देखिए कोई भी आपको जज नहीं करेगा, बताइए। अरे नहीं मैडम, मुझे तो ये डर है कि मेरी बात सुनकर कहीं आप सब लोग हंस न दें। नहीं ऐसे ही। आप एक काम कीजिए, आप बैठिए। जी आपको क्या दिक्कत है, उस समस्या के बारे में बात करें। आपने कहा कि आपके पति से आप भागती हैं, कहा है आपको मारते वारते हैं क्या? नहीं नहीं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ तो क्या शराब पीकर गरिया देते हैं? छी, शराब को तो वो हाथ भी नहीं लगाते। क्या दिक्कत होगी, प्यार नहीं करते आप? अरे यही तो दिक्कत है मैडम कि हद से ज्यादा प्यार करते हैं। का? ये दिक्कत है? हाँ। ये कभी भी दिक्कत नहीं हो सकता, हमसे इतना ज्यादा प्यार करती है, हमको कभी दिक्कत नहीं हुआ। आप बता रही थी कुछ, आप दिक्कत बता रही थी, क्या दिक्कत है? मैं मानती हूँ कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका पति उसे बहुत प्यार करे, बट सच मानिए मैडम अब यही प्यार मेरे गले का फंदा बन गया है। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं, मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करते हैं कि मुझे घुटन होने लगी है इस रिश्ते से। अरे क्या लकी है तू चमेली, तेरा आदमी तेरे से इतना प्यार करता है बरोबर, तो बहुत लकी है तू, खुश रहना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सच्ची बता रही हूँ, अगर मेरे को इतना प्यार करने वाला मर्द मिला होता ना, अभी तक मैं लगन कर चुकी होती उससे, तेरे को दिक्कत क्या है रे? और क्या और? मतलब और क्या याद आ रहा है? नहीं नहीं जालम हाजिर, मराठी, मेरे को मराठी आती है। अरे मैडम रहने दीजिए, ये सब बातें बोलने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल नहीं है। इरिटेशन तो तब होता है मैडम जब वो मुझे ये बताते हैं कि कौन से कलर का टॉवल यूज करना चाहिए, कौन से कलर का टूथब्रश यूज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। ये प्यार है कि जज्बाती गुलामी? अरे मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, मुझे घुटन होती है ऐसे रिश्ते से। प्यार का मतलब ही गुलाम बन के सजा काटना होता है क्या संतु जी? अच्छा नहीं 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 बोल संतु, आप आइए इधर, अंदर आइए, कुछ दिखाना है आपको। जाइए क्या? आइए जाओ जाओ इधर आइए। आप जो बता रही हैं दिक्कत वाला बात है, वो हमें तो दिक्कत वाला बात नहीं लग रहा है क्या? बहुत अच्छा लगता है कि पति अगर प्यार करता है तो, आपकी सुनी हमने, अब आप हमारी सुनिए। फिर भी जिस तरीके से आपने बात बताई है उसमें काफी गंभीरता है, मतलब शायद हम वो चीज नहीं समझ पा रहे जो आप हमें समझाना चाह रही है, इसीलिए हम आपके पति देव से मिलना चाहेंगे। हाँ हाँ मैडम जी जरूर, मैं तो खुद चाहती हूँ आप मेरे पति से मिले, तब शायद आपको मेरी प्रॉब्लम समझ में आएगी। वही हम समझना चाह रहे हैं, तो कब कैसे मिल सकते हैं आपके पति देव से, वो हम आपको बता देंगे। जी मैडम थैंक यू। सुनो ये क्या है, ये कौन है ये आदमी जो बार बार फोन करके बोल रहा है हम सब जानते हैं हम सब जानते हैं? मेरे को क्या मालूम और सब जानते हैं, तो फोन काहे के लिए कर रहा है, पूछता ही काहे को है? हमारे बॉस है। जयहन सर। जी सर आदेश दीजिए सर। नहीं हम आपको आकर समझाते हैं, हम बस हाँ तुरंत आ रहे हैं सर। जय चलो कहाँ? एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि उर्मिला है या मैडम सर, ऊपर से डीएसपी सर ने बुला लिया। ये क्या, हम तो समझे उधार दे रहे हैं। पता नहीं किस मनहूस किस घाटिया का नजर लग गया अपना थाना को ना, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है इसके साथ बवाल। अचानक से उर्मिला जी लेडीज गजनी बन गई, इनको कुछ याद नहीं आ रहा है, और जो कुछ याद आ रहा है वो फटे में बंबू है ना। मतलब ये याद आ रहा है कि उर्मिला जी हैं, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि मैडम सर का रोल यही कर रही थी। बताओ ऊपर से डीएसपी सर ने उन्हें बुला लिया है। अगर डीएसपी सर को पता चल गया कि हसीना मलिक के जगह अब वो मुंबई से वो वड़ा पाव वाली उर्मिला महादेव मात्रे, उसे हम यहाँ पे लेकर आए हैं, हसीना मलिक बनाया, तुम्हारी नौकरी गई। मैं तो कहती हूँ पुष्पा जी सुनो, जूस वाली मशीन नहीं है वो खरीद लेते हैं हम। क्यों क्यों? क्योंकि हमारी नौकरी तो चली जाएगी ना पुष्पा जी, है ना, गर्मियों का सीजन है, लोग जूस ज़्यादा पीते हैं, तो हमारा वो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप में कर ले हम। अब ऐसा कुछ नहीं होगा,
और वैसे भी उन्होंने बताई दिया होगा ना डीएसपी सर को, मैडम सर की याददाश्त चली गई है, हाँ तो फिर वो सब संभालेंगी। बस कुछ भी करके ना, कुछ भी करके ये उर्मिला की याददाश्त वापस चली आए। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम ने प्लान बनाया है और मुझे बता दिया है कि करना क्या है। अच्छा, करना क्या है? अंदर जैसे मयूरी वो प्यार और शादी की बात कर रही थी, तो कैसे एकदम से उर्मिला ने रिएक्ट किया था, उसे याददाश्त के झटके लगने लगे थे, याद है? बस हमें यही ट्रीटमेंट जो है कंटिन्यू करना है आगे। उर्मिला के अंदर प्यार के जज्बात जगाने हैं, ये सब बातें हम जानबूझ के उसके सामने करेंगे ना, तो करिश्मा मैडम को लगता है कि उर्मिला की याददाश्त जो है वो वापस आ जाएगी। गजब गजब का दिमाग पाई है करिश्मा मैडम, एकदम मतलब दूर की कौड़ी है, दूर दृष्टि है उनका। मतलब उर्मिला के अंदर का प्यार जगाने का क्या बेहतरीन तरीका बताई है। क्या यही ना कि मतलब हम और आप एक प्रेमी युगल होने का नाटक करें। नाटक है तो सही बात है, तो हम लोग को प्यार करते हुए देखकर उर्मिला के अंदर का प्यार जग जाएगा और उर्मिला अपने मतलब ऐसे सब याद वाद आ जाएगा उनके, यही ना? तो हम तो एकदम कब से तैयार बैठे हैं। आप बताइए संतोष जी, कैसी आप मतलब नीचे बैठ चीते, मैं पक गई हूँ। कितना घिसा पीटा, एक ही डायलॉग मारता रहता है, बस कर दे प्लीज। अब ये तो समझ गए, मगर आगे आगे क्या सोचा है उन्होंने? कि मयूरी का जो हस्बैंड नहीं है उनसे हम एक्टिंग करवाएंगे, जो जो वो मयूरी के लिए कर सकता है वो सब वो उर्मिला के लिए भी करेगा, उर्मिला का भी आशिक है। उससे क्या होगा? एक तीर से दो शिकार। कैसे? पहला ये कि मयूरी की एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है हमें ये समझना होगा कि क्यों उसे अपनी मैरिड लाइफ से अपने पति से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और उर्मिला के भूले बिसरे प्यार की यादों का शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसकी याददाश्त वापस आ जाए। भग, एकदम बकवास आइडिया है, वाहियात, ऐसा कुछ नहीं होता है। करिश्मा मैडम ने ये भी कहा था। क्या? उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ हो तो बस दो शब्द याद रखना। कौन से? इग्नोर। बहुत देर से मतलब ऐसे सुना, एक मिनट इतना सुन रहा, इग्नोर। ये टकला मेरे को ऐसे क्यों घूर रहा है? क्या क्या कहा इन्होंने? नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, मिस मलिक, हमें पहचानिए, हम हैं आपके डीएसपी। अच्छा देखिए, आप हमें पहचानने की कोशिश कीजिए। पता है हमने आपके थाने को कितनी बार बंद होने से बचाया है? सर उतनी बार आपने बंद होने का ऑर्डर भी दिया था। अरे भाई, ड्यूटी है, ड्यूटी निभानी पड़ती है, हमारे ऊपर भी लोग होते हैं। कौन है ऊपर? किधर? ऊपर का मतलब होता है जो ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको कहा जाता है ऊपर। समझ गई आप? कुछ याद आया हसीना मलिक जी, पहचाना आपने हमें? सत्यानाश, हम सब जानते हैं इनकी तो याददाश्त सचमुच चली गई है। डॉक्टर ने क्या कहा? आ जाएगी सर, थोड़ा समय लगेगा पर आ जाएगी। अरे समय ही तो नहीं है, अनुभव सिंह के केस में। अनुभव सिंह? अरे अनुभव सिंह के केस के बारे में डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी बिठा दी है, आज शाम को 7 बजे दो मुख्य अधिकारी आने वाले हैं और इनकी मेडिकल रिपोर्ट हमें उन्हें पहुंचानी है। जानती हूँ, और भी मेडिकल टेस्ट इनके करवाने पड़ेंगे जिसके सत्यता के प्रामाणिकता के आधिकारिक पुष्टि होगी। समझ रही है ना आप लोग? और बहुत ध्यान से काम करना होगा, जरा सी भी चूक हुई सबको यहां से कूच करना होगा। दैट्स क्लियर? क्लियर सर। बैठिए। अरे भाई मनोहर, अरे हमारे घर से जो टिफिन आया है लाइए जरा। अब भूख तो मेरे को भी लगी है। भूख लगी है ये, लेकिन ये तो बस एक ही बचा है, आपके लिए बाहर से ऑर्डर कर देते हैं बर्गर, हैं?
अरे बस क्या, ये भी क्या खाने की चीज है? खाने का ना तो उर्मी के हाथ का वड़ा पाव खाने का। कौन? उर्मिला महादेव मात्रे, विठल वड़ा पाव दादर। चला विठल वड़ा पाव मिल रहा है क्या? मैडम तुम्हारा क्या है? जो भी खाना खाली विठल वड़ा पाव खाना। क्या? ये लो विठल वड़ा पाव। करिश्मा सिंह, ये क्या बोल रही है? डीएसपी सर को अगर पता चल गया कि उर्मिला है तो बहुत बड़ा मुसीबत में फंस जाएंगे।